गाइज, आप सभी को मेरा प्यार भरा पहनाव। मैं सुना करके स्वागत करते हैं यूट्यूब चैनल सुना ब्लॉग्स में। तो गाइज, नए दिन के साथ मेरे ब्लॉग की शुरुआत भी हो चुकी है। और अभी ना आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 10 बजे से। और आजकल हम लोग नाश्ता नहीं करते हैं, सीधे दाल चावल बनाते हैं, तो वही खाते हैं क्योंकि आजकल छोटे छोटे दिन होते हैं ना, तो खाने तक 11-12 बज जाते हैं। तो अभी बनाया है आज पतिदेव जी ने भड़की दाल, यानी कि भड़की चुटकानी बोलते हैं हमारे पहाड़ में उसको, और भात। तो दिखाते हैं, हमने धनिया ना छत में ही लगा रखा है यहाँ पर, क्योंकि जल्दी से कभी सब्जी में डालने के लिए होता है। यहाँ पर तोड़ रहे हैं पतिदेव जी धनिया, और ये देख सकते हैं। दाल भात खा रहे और खीर, बल खीर की याद आ रही है क्या? हाय राम सिया राम राधे श्याम कृष्ण, भगवान जी को भी याद कर रहे हैं खाते टाइम। ये देखिए भट्ट, काला भट्ट, काले भट्ट की चुटकानी, जो हमारे पहाड़ की फेवरेट दाल है। तो करते हैं स्टार्ट। घर की मूली, घर की लाल मिर्च गया हुआ है स्कूल, और आजकल स्कूल ना नीचे शिफ्ट हो गया है, क्योंकि वहाँ जहाँ पे स्कूल है वहाँ बिल्कुल धूप नहीं आ रही है, तो नीचे धूप ही है। ये देखो छोटी छोटी पट्टी यहाँ पर, अमा पहला और पहला ठीक ठाक है। हाँ ठीक है, यूँ भाइयों हम ठीक है, बोला कौन है नहीं भी ठीक है ही। हाँ कौन था बढ़ा ये कौन खा है कौन है क्यों हुई हो? तो ये देख सकते हैं भेड़ बकरी की छाल सुखाने डाली हुई है, ये चिपका कर रहे में हो ना, तो है कील घंट खरान नदी मोड़ी ने भी। अच्छा तो यो क्या को माल फिर बिठोना है, बैठा ल बैठना की ठंड बहुत बैठा ल देखो बजे रुंदा आ तापो नहीं हो आ पहली वे ये है, पहली बार तो सही है तो पारो पाटे मठा बदर ने पाव ही बोल न कुल ये पुतो भी बोल पुतो ये बना बता गिरन शाम से अम्मा बोल तो ये राश में तो जात में पुतो ना बोल ही पुतो कस वे छुटला ने गए ये तो सात को सात खैर जी ने ब्याव जो अच्छा नि मारो जो उजला पोर ने ब्याव बोल रात में तार लग रही नहीं, तार लगने भी वो समय जो खगले नहीं भी पार्टी में ने घर लिया बाबो को बाजो को तुमने तो प्रसाद ले रहे हो अन्य पटल जो अपने हाँ पूछा तो पका हाथ जो जो बाप हर बार ना गुबर तेरे साथ में रह जो कोई गुबर दिए लोगों के रात के बैंड गये वो खार में तो प्रसाद आया ले वो खा का खा वो समय जो अच्छा ना कदू उजाल फुजाल रो रात का ले लाइट वाइट अच्छा ना जहाँ लाइट हो सब चीज हो जब चल बाज जहाँ लाइट हो बैर बटर हड़कन में है उठा और देखे मतलब ना पहले बार बार ना ननु लंबू नहीं गया निशी चाल चाल नहीं गया वो बार का ना गुआर गया बैठ अजूर भाव बैठ का कुछ खड़ा निमाजी नहीं बियो पर ना गुड़िया का कुछ खड़ा निमाजी नहीं बियो कहाँ बैठ तो का दिन का टाइम आप बोला जब बांटिए रोबा रोबा खड़ा दर्जा वाली
दाल भात रोल टपकी हूँ कदू चीज हूँ साग अचार बनाई बोलू अच्छा फिर बस अच्छा फिर बस मकान होते थे ना अब यार सुन बिल्कुल लेंटर वाल मैं बहुत तो ज्ञान और गही तो भाजक ने और गही तो गुआ धुला इठो चने और नि बियो अब को ये भा वो ब्लैक रंग का जो उड़िया बाथरूम मैं कौन हूं मैं नॉन हूं मैं कौन तो हूं तो अब माँ ने बताया ना पहले के लोग कैसे रहते थे और आजकल के लोग कैसे रह रहे हैं। तो अब जाती हूँ मैं स्कूल की तरफ। वहाँ पे विपिन लोगों का चला है दरवाजे वाला काम। पहला ठीक ठाक है कि बोण है द्वार अच्छा है कि हो कि बटा ले रहा अब कुणन नहीं कूड़ा कूड़ा है यो। अरे आज सब सफाई है रे। अच्छा यो चाची का डल सुन ये चाची तो बहुत है शर्मा जिना नमर ब्लॉग मोड में स्कूल में कौन हूँ बजून। तो आजकल ना स्कूल में जाने का रास्ता इतनी दूर से है ये है तमका लग गया मैली। अरे यहाँ पे नॉल में भी अच्छे टाइल लग गए हैं आजकल। तो आजकल स्कूल ना इतने दूर हो गया है ये वहां से घूम के आना पड़ रहा है। किसका बेबी आ रहा है ये स्कूल से? अरे अरे आराम से आओ। अरे बाबले जय क्यों नहीं बोल रहे मम्मा से? जय इतना बड़ा हो जाना। ओ ये तो ना खेत में भी दूर दूर वाले खेतों में जहाँ पर गोबर रखा होता ना वहाँ पर हालन भी बो रखा है। ये इतना बड़ा पेड़ काटा था सासू माँ लोगों ने। ये कौन? अरे तो चाची की बहू गई मायके और चाची की आई आफत। ओह वो अम्मा को नहीं बोला जे। ये छोटी छोटी बैठी हो रखी है अम्मा लोगों की। अच्छा आ पहुंच गया है घर और अब इसको नहलाती हूँ फिर खाना वाना खिला के फिर मैं इसको सुला दूंगी। डक से चौब सीध क्यों मैं गाड़ी लेके आना होगा स्कूल पापा बोलेगा ना गाड़ी लेके आना मैं घर आ जा लेके आना मैं गाड़ी। आज हो गई है शाम और शाम को मैं आई हूँ अपने किचन गार्डन में और यहाँ मैंने बो रखे थे मटर तो उसमें लगाने हैं ये वाले झाड़ियाँ ताकि जो मटर है ना उनके लिए सपोर्ट हो। ये है मटर और ये तभी बढ़ेंगे जब हम उसके लिए लकड़ी लगाएंगे ऐसे ये फिर ये मटर के पौधे जाएंगे सीधे इसमें सपोर्ट के लिए। अब बढ़ेंगे ये तो ऐसे ही सब मटर के पौधों में ये वाली झाड़ियाँ लगानी है। ये मैं काट के लाई हूँ अभी। तो मटर में ना वो झाड़ी लगाते लगाते बाहर अंधेरा हो गया है और इसमें बना रही हूँ गीठी की सब्जी तो पहाड़ी गीठी। तो ये है गीठी ये देख सकते हैं आप। तो इसको मैं कद्दूकस करके फिर बनाऊंगी आज सब्जी। फाइनली गीठी मैंने कद्दूकस कर ली है और कढ़ाई रखे इसमें मैंने डाला है प्याज और लहसुन। दक्ष रुको
तो ये हो चुका है ब्राउन। अब डालते हैं गिठी और दक्ष भी मेरी मदद करते हैं खाना बनाने में। ये हाथ से डालो, तो इसको ना खूब भून लेते हैं।